الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار इस्लामी दीनी भाइयों और मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम, पिछले जुमे के खुतबे में आखिरी बात जो आपके सामने रखी गई थी वो ये थी कि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस तरह से पुकारना, याद करना या उनसे मदद हासिल करने के लिए उनको पुकारा जाए और कहा जाए या शेख अब्दुल क़ादिर शेयन लिल्लाह, इस तरह के जुमले का एक मुसलमान की ज़बान से अदा करना या इस तरह के जुमले का वजीफ़ा पढ़ना या उसका विर्द करना, इस ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने उलमाए किराम के कुछ फतावे ज़िक्र किए थे। उलमा ने शेख से इस तरीके से मदद मांगने के तरीक़े को हराम करार दिया है और कुरान व हदीस की बहुत सारी नसूस हैं जिनसे ये बात मालूम होती है कि किसी सच्चे मुसलमान को शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी से इस तरीक़े से मदद मांगने के लिए उनको पुकारना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और जिस मकसद की खातिर ये सिलसिला आपके सामने शुरू किया गया था उस मकसद का तज़किरा सरसरी तौर से आपके सामने आया था, लेकिन यह कि उसकी शक्ल सूरत क्या है और उसकी हकीकत क्या है और शरई हैसियत क्या है कि आखिर मुसलमान रबीउ सानी के महीने में शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की 11वीं मनाते हैं, तकरीबात मुनाकिद करते हैं, उनके नाम की देगें पकाई जाती हैं। आखिर इसकी सूरत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आज के इस मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आखिर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की जो ग्यारहवीं की जाती है वो क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है। जो लोग इस तरह की तकरीबात मनाते हैं, मैंने उन्हीं की किताबों से ये बात आपके सामने रखी है, रख रहा हूँ। एक साहब हैं जियाउल्लाह क़ादरी, इन्होंने किताब लिखी है गौसुलसलैन। इस किताब के सफ़ा नंबर 217 पर लिखते हैं कि 11वीं शरीफ दर हकीकत हज़रत सरकार महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी गौसे आज़म, ये सारे इतने अलकाब व आदाब शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को दिए गए हैं। उसके बाद कहते हैं शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की रूहे पुरफुतूह को ईसाले सवाब करना है। तो मालूम यह हुआ कि शेख के नाम की जो 11वीं की जाती है उसका मकसद ईसाले सवाब है, उनकी रूह को सवाब पहुंचाना मकसूद है। इसी तरीके से एक और साहब है जिनका नाम है खलील अहमद राणा, इनकी किताब है 11वीं क्या है। इस किताब के सफ़ा नंबर 4 पर लिखते हैं कि मौजूदा दौर में ईसाले सवाब के प्रोग्राम मुख्तलिफ नामों से जाने और पहचाने जाते हैं। मैयत को अगर किसी को सवाब पहुंचाना है तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं। आप गौर फरमाएं, मैयत को ईसाले सवाब करना ये शरीयत की रूह से न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि मतलूब है। हम ऐसे काम करें, लेकिन इसके लिए कोई तकरीब मनाई जाए और कोई जश्न मनाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए कि हम ईसाले सवाब करना चाहते हैं, मैयत को सवाब पहुँचाना चाहते हैं। क्या ऐसा करना हमारी शरीयत में जायज़ है? लेकिन कहते हैं कि मुख्तलिफ नामों से प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जिनमें एक नाम 11वीं शरीफ का भी आता है, हुजूर गौसे आज़म सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी से अक़ीदत व मोहब्बत की वजह से हर इस्लामी महीने की 11वीं तारीख को मुसलमान अकेले या इकट्ठे होकर आपकी रूह को ईसाले सवाब करते हैं। 11 तारीख को ईसाले सवाब करने की वजह से इस ईसाले सवाब का नाम 11वीं मशहूर हो गया है। यहाँ पर एक बात समझ में आई, आमतौर से लोग ये तकरीब साल में एक दफ़ा मनाते हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है कि हर महीने की 11 तारीख को। तो बहुत से मुसलमान हैं ऐसे जो हर महीने की 11 तारीख को इस तरह की तकरीबात मुनक़िद करते हैं और उसे छोटी 11वीं कहते हैं, और जो साल में एक दफ़ा तकरीब मनाई जाती है उसे बड़ी 11वीं का नाम दिया जाता है। छोटी 11वीं और बड़ी 11वीं, ये जो दो इक़्तिबासात आपके सामने रखे गए हैं, इनसे क्या बात मालूम होती है? एक बात तो ये मालूम हुई कि 11वीं ये शेख जीलानी की रूह को ईसाले सवाब के लिए मनाई जाती है। बुनियादी मकसद ईसाले सवाब करना है, लेकिन अवाम क्या करते हैं या अवाम क्या समझते हैं इस तकरीब से, बल्कि अवाम इससे भी आगे की बात सोचते हैं। शेख के नाम की देग इसलिए पकाई जाती है और उनके नाम से खाना इसलिए पकाया जाता है चूंकि शेख गौसे आज़म हैं, मुख्तार कुल हैं, मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, बिगड़ी बनाने वाले हैं। ये समझकर लोग शेख के नाम की देख पकाते हैं कि अगर हमें मुस्तकबिल में शेख से कुछ मांगना है, कोई मन्नत मांगनी है कि अगर हमें आपने बेटा या बेटी अता कर दी तो आपके नाम की देख पकाई जाएगी, या ये कि कोई काम हो चुका है पहले से उसकी खुशी में शेख के नाम की देख पकाई जाती है ताकि आपको राजी किया जा सके। अवाम तो ये समझकर ये तकरीब मनाते हैं, शेख के नाम की नजरो नियाज गोया के करते हैं, ये असल मकसूद है। और बिलखुसूस चांद की हर 11 तारीख को इस तरह की तकरीब मुनक़िद की जाती है या सालाना तकरीब मुनक़िद की जाती है। आइए अब देखते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है, शरीयत में इसकी गुंजाइश है या नहीं है। शेख के नाम की जो 11वीं है या तो ईसाले सवाब की नीयत से मनाई जाए या नजरो नियाज के नाम पर मनाई जाए। तो आइए सबसे पहले हम नजरो नियाज का मसला देखते हैं कि नजरो नियाज के नाम से शेख की 11वीं मनाई जाती है, तो आखिर नजरो नियाज का मतलब क्या है। आइए, नज़र ये बुनियादी तौर से अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू में इसका तर्जुमा लोग मन्नत करते हैं। नज़र मानना यानी मन्नत मानना, मन्नत मानना। मसलन हमारा ये काम शेख पूरा कर दीजिए, और जब वो काम अल्लाह के हुक्म से पूरा होता है, पूरा हो जाता है, तो उनके नाम की देख पकाई जाती है, नियाज की जाती है। तो उर्दू में ये संस्कृत का लफ्ज है मन्नत, नियाज का नजर का तर्जुमा मन्नत से किया जाता है। फारसी में इसी लफ्ज को नियाज कहा जाता है, अरबी में नजर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू वाले इसको मन्नत कहते हैं और फारसी वाले इसको नियाज कहते हैं। आखिर नियाज, मन्नत, नजर ये है क्या? दरअसल इबादत की ये वो किस्म है जिसे कोई शख्स अपने ऊपर लाजिम कर लेता है। शरीयत ने इसको लाजिम नहीं किया है, लेकिन इंसान अपने तौर से इसको लाजिम कर लेता है। मन्नत अल्लाह ताला के लिए भी मानी जाती है, और मन्नत जैसा कि लोग शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी मानते हैं। अल्लाह ताला के लिए मन्नत आप कैसे मानेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर मैं बीमारी से शिफा याब हो गया तो मैं तेरी राह में सदका करूँगा, तेरे नाम के रोजे रखूंगा। ये शरई मन्नत है, शरई नजर है। और एक गैर शरई मन्नत या नजर है जो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी के नाम की जाती है कि शेख अगर मेरी फला मुराद पूरी हो गई तो मैं आपके नाम की देगे पकाऊंगा, आपकी जानिब से ऐसा काम करूंगा। ये गैर शरई मन्नत है। तो नजर का असल माना होता है वाजिब करना, और शरीयत की इस्तिलाह में फुक़हा ने लिखा है हुआ इल्ज़ाम मुकल्लिफ़िन मुख्तार नफ़्सहु लिल्लाहि ताला शैअन गैर लाज़िमिन बे अस्ल शरई। कोई मुकल्लफ़ बंदा अपने ऊपर, अपने इख्तियार से, अपनी मर्जी से कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर लाजिम कर ले, शरीयत ने उसको लाजिम नहीं किया, लेकिन वो अपने तौर से किसी चीज़ को लाजिम कर लेता है। किसके लिए? लिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला के लिए। तो ये शरई नजर है, और इसका हुक्म क्या है? जायज़ है। हमारी शरीयत ने, इस्लाम ने नजर मानने की तरगीब नहीं दिलाई। जायज़ है अगर कोई शख्स ऐसा करता है, और अगर कोई मन्नत मान लेता है तो उसका पूरा करना लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन शरीयत ने तरगीब नहीं दिलाई है कि कोई बहुत अच्छा काम है। हाँ, अगर आप मान लेते हैं तो ऐसी सूरत में उसको पूरा करना लाजमी है, लेकिन शरई नज़र ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है, ये इबादत है, और हर इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। आइए, कुरान ने नज़र के सिलसिले में क्या कहा। कुरान में लफ्ज़ नज़र, उससे बनने वाले जो अल्फाज हैं, तकरीबन 131 दफ़ा आए हैं, और 5 मानी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कुरान के अंदर। आइए, मैं 2-1 आयत आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़र का जिक्र फरमाया है, किसके हवाले से? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजर का जिक्र किया है। कब जिक्र किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? अल्लाह ताला ने उनको बगैर उनके शौहर के या आप कहें बगैर बाप के उनको एक बेटा अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उनकी यहाँ हुई, लिहाजा जाहिर सी बातें लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि ये बेटा कहाँ से आया है। आमतौर से तो बेटा इस तरह से, औलाद इस तरह से नहीं पैदा होती है, सवाल करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा था, फ़क़ूल इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इनसिया। अगर तुमसे लोग सवाल करें तो इशारे से उनको बता देना कि मैं आज तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकती हूँ, मैंने अल्लाह रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है, मैं गुफ्तगू नहीं करूँगी। मैंने ना बोलने की नज़र मान रखी है, लेकिन किसके लिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। तो मालूम यह हुआ कि हमारी नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए होनी चाहिए। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की वालिदा की नज़र का भी तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने यह दुआ की थी, क्या? रब्बि इन्नी नज़रतु लक, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे नाम की नजर मानी है आजाद करने की। मेरे पेट में जो कुछ है, जो बच्चा है या बच्ची है, उसको तेरे लिए आजाद करने की नजर मानी है। क्या मतलब तेरे लिए आजाद करने की नजर मानी है? जो बच्चा या बच्ची पैदा होगी वो तेरी इबादतगाह की खिदमत के लिए वक्फ होगी या वक्फ होगा, इसलिए मैंने नजर मान ली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह जिक्र किया कि ये नजर उन्होंने अल्लाह ताला के लिए मानी थी, लिहाजा अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार और मुशरिकीन की नजर का तज़किरा भी फरमाया है। कुफार और मुशरिकीन किसके लिए नजर मानते थे? वो अपने बुतों के लिए नजर मानते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मजम्मत बयान फरमाई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी इस सिलसिले में मौजूद हैं कि ये नजरो नियाज किसका हक है, किसके लिए होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक है, किसी और के लिए, चाहे वो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह हों या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उम्मत का कोई भी फर्द बशर हो या कोई मखलूक हो, किसी के लिए भी नजर मानना जायज और दुरुस्त नहीं है, चूंकि ये इबादत है और इबादत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खालिस हक है। अगर कोई इंसान किसी मखलूक के लिए नजर मानता है, उससे उम्मीद रखता है कि मेरी मुराद इसके जरिए से पूरी हो जाएगी, तो मैं ये चीज उसको दूंगा या उसकी तरफ से सदका करूंगा, अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में शिर्क कहलाएगा। आइए, मेरे सामने फुकहा के कुछ फतावे थे, लेकिन उन फतावों में से सिर्फ मैं आपके सामने एक फतवा जिक्र करूंगा। वैसे तो फुकहा का बिल इत्तिफाक ये फैसला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर किसी के नाम की नजर मानना, नियाज मानना, मन्नत मानना ये हराम है। आइए, कुछ फुकहा के किताबों के नाम हैं। एक मशहूर किताब है अर्रद्दुल मुख्तार, अलबहर्रायक मुख्तार। इसी तरीके से किताब है अलबहर्रायक। और इसी तरीके से एक मशहूर फतवे की किताब है फतवा आलमगिरी। और इसी सिलसिले में एक मशहूर हनफी आलिम दीन है इब्ने नुजैम, इनकी किताब है अलबहर्रायक। उसमें उन्होंने शेख कासिम मिस्री के हवाले से ये नकल किया है, ये इबारत है, कहते हैं, अमन नजर अल्लज़ी यंज़ुरुहु अक्सरुल अवाम अला मा हुआ मुशाहद। कहते हैं कि वो नज़र जिसे आम तौर से अवाम मानते हैं, यानी अल्लाह को छोड़कर मखलूक के नाम की नजर मानते हैं, उसकी बात हो रही है। इसका हुक्म क्या है? फहाज़ नज़र बातिल बिल इज्मा, ये नजर बिल इत्तिफाक बिल इज्मा, उलमा का इज्मा है, इस उम्मत के जो उलमा मोतबर उलमा है उनका इज्मा है कि इस तरह की नजर मानना ये बातिल है, गलत है। और इसके बातिल होने के चंद असबाब कि इस तरह की नजर मानना क्यों बातिल है, क्यों मना है, क्यों हराम है। आइए उनमें से पहला सबब जिक्र करते हैं। मिन्हा अन्नहु नजरुन ले मखलूक, ये मखलूक के लिए नजर मानी जा रही है। वह नजर ले मखलूक ला यजूज़, और किसी मखलूक के लिए नजर मानना, नियाज मानना जायज नहीं है। क्यों? लिअन्नहु इबादतुन वल इबादतु ला तकूनु लिल मखलूक, इसलिए कि ये इबादत, और इबादत हम किसी मखलूक की नहीं कर सकते। इबादत अगर हम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए करेंगे, किसी मखलूक के लिए इबादत जायज नहीं। एक तो ये सबब। दूसरा सबब इस तरह की नजर के बातिल होने का क्या है? कहते हैं अन्नल मंजूर लहू मय्यतुन वल मय्यत ला यबलिग, जिसके लिए नजर मानी जा रही है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की देख पकाई जा रही है। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी मुर्दा है या जिंदा है? मैंने इससे पहले आपके सामने बात रखी थी कि मुर्दा है, कब्र में जिंदा नहीं है, मुर्दा है। और अगर जिंदा होते तो उनकी हड्डियां निकालकर लोग दरियाए दजला में न फेंक देते, बल्कि अपनी जात का दिफा करते, अपनी तौहीन और बेइज्जती का दिफा करते। लिहाजा कहा कि मंजूर लहू, जिसके लिए नजर मानी जा रही है वो मय्यत है। वल मय्यत ला यमलिक, और मय्यत किसी भी चीज का इख्तियार नहीं रखता है, वो आपकी कोई मुराद पूरी नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कोई इख्तियार नहीं दिया है। और आइए तीसरी वजह इस तरह की नजर के हराम होने की फुकहा ने लिखी है। कहते हैं कि इन ज़न्ना अन्नल मय्यत यतसर्रफ़ु फ़िल उमूर दून अल्लाह ताला, अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर भी इस कायनात में किसी को तसर्रुफ़ करने का इख्तियार हासिल है, फायदा पहुंचाने का इख्तियार हासिल है। कहा कि अगर लोग कोई ऐसा अकीदा रखता है तो इसका हुक्म क्या है? वह एतिकादुहु ज़ालिका कुफ्रुन, इस तरह का अकीदा रखना, एतकाद रखना ये कुफ्रिया अमल है। फुक़हा ने साफ सराहत कर दी है, अगर हम कुरान की बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर व फिक्र करने के लिए तैयार नहीं है, तो कम अज़ कम जिन फुक़हा से हमें अक़ीदत है, जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनके फतावों पर हम चलने वाले अपने आप को कहते हैं, कम अज़ कम उनके फतावे पढ़ लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए कि इस तरह के अमाल ये हमारी शरीयत में, हमारे उलमा की निगाह में जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बल्कि और इसके आगे अगर मैं कहूँ, इस तरह की जो नजर है कि हम शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की देख पकाएंगे, इस तरह की जो नजर है ये नजर मासियत है, गुनाह वाली नजर है। ला यजूज़ुल वफ़ाउ बिही बित्तिफ़ाक़िल उलमा, इस तरह की नजर को पूरा करना सारे उलमा का इत्तिफ़ाक़ है। अगर गलती से कोई मान ले कि मैं शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं की देख पकाऊंगा या मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की देख पकाऊंगा या उनकी कब्र पर चादर चढ़ाऊंगा, नजराना पेश करूंगा, अगर कोई मुसलमान गलती से ऐसी नजर मान लेता है तो उसका पूरा करना जायज नहीं है। ये उलमा का फतवा है। तो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की देख पकाई जाए, नजरो न्याज की जाए, हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आइए अब इसका दूसरा पहलू इख्तिसार के साथ हम देखते हैं कि शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की 11वीं को किस नियत से किया जाता है। ईसाले सवाब, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि ये तकरीब ईसाल सवाब के लिए की जाती है। उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए हम सदका करते हैं, खैरात करते हैं ईसाल सवाब की नीयत से। आइए देखते हैं हमारी शरीयत ने ईसाल सवाब के लिए हिदायत दी इस उम्मत को, ईसाल सवाब के तरीक़े बतलाए कि हमें ईसाल सवाब कैसे करना है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमको ईसाले सवाब के बतलाए हैं, लोग वो तो नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जानिब से ईसाले सवाब के जो तरीक़े उन्होंने ईजाद किए हुए हैं उनको किया जाता है, तकरीबात मनाई जाती हैं। आइए हमारी शरीयत ने ईसाले सवाब का सबसे आला, सबसे बेहतरीन और ये फ्री ऑफ दी कॉस्ट है, कोई कीमत इसमें नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, मस्जिद में आने की ज़रूरत है या नमाज की पाबंदी करने की ज़रूरत है, चाहे मस्जिद में हो या घर में हो, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैयत को अगर किसी चीज़ का सवाब पहुँचता है वो आपकी दुआ है। मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत करें, ये सबसे अहम तरीन चीज़ है। अल्लाहुम्मा मगफिर लिवालिदी और लिवालिदैया, और कुरान में भी इस तरह की दुआएं आपको मिल जाएंगी, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, इस तरह की दुआएं कुरान में भी मौजूद हैं। मरने वाले के हक में दुआए मगफिरत की जाए, ये सबसे आसान तरीक़ा है। लेकिन हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम तो पैसे वाला तरीक़ा करते हैं, तीजा करते हैं, 40वां करते हैं, 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, कुल शरीफ करते हैं, नियाज करते हैं, फातिहा करते हैं, और न जाने कौन कौन से तरीक़े करते हैं, और किराए के हुफ़ाज़े किराम मदरसे से बच्चों को लाकर कुरान खानी करा देते हैं। ये तो हमारे यहाँ ईसाले सवाब के तरीके हैं। जो काम सबसे आसान हो सकता है वो काम करने के लिए हम तैयार नहीं है। आइए दुआ कीजिए, मरने वालों के हक में ये सबसे आसान तरीक़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और तरीक़े बयान फरमाए। एक हदीस में आपने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी उनका सवाब उसको मिलता रहता है। सदक़े जारिया है, आप अपनी ज़िंदगी में सदक़े जारिया कीजिए। सदक़े जारिया क्या है? कोई इमारत, कोई दुकान अल्लाह के नाम वक्फ कर दीजिए कि उसका जो किराया आएगा वो फ़कीरों पर खर्च होगा, इस तरह सदक़े जारिया। कोई कुआँ लगवा दीजिए, कोई फ़िल्टर मशीन दे दीजिए, ये सदक़े जारिया है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो इल्म जो मुफीद और कारामत इल्म है, कोई किताब आप लिख जाए वो, या कुछ शागिर्द आपके इस दुनिया में हो वो तैयार कर जाए, जब तक वो सिलसिला कायम रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा, मुफीद इल्म। और अल्लाह के रसूल ने अहम तरीन जो हिदायत फरमाई है, मैं गुजारिश करूँगा हर मुसलमान से वो इस पर अपनी सारी एनर्जी सर्फ करें, सारा सरमाया इस पर हमारा खर्च होना चाहिए। क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद जो आप दुनिया में छोड़ कर जाते हैं, वो दुआ करती है, वो नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, हज करती है, ज़कात करती है, नेकी के काम के लिए चलती है, सोती है, जागती है, नेक औलाद, उसके जितने भी अच्छे आमाल हैं आपको भी उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। हमारी सारी एनर्जी इस बात पर सर्फ होनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को नेक बनाएं, लेकिन अफसोस तो ये है कि हमारी सारी एनर्जी इस बात पर सर्फ होती है कि हम औलाद को मालदार बनाएं, दौलतमंद बनाएं, हराम तरीके से बनाएं या हलाल तरीके से बनाए, हमें इसकी फिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा माल हम औलाद के लिए छोड़कर दुनिया से जाना चाहते हैं। औलाद दुनिया से जाने के बाद आपके माल का क्या करेगी? कोई जमानत है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई किसी हराम काम में उस माल पैसे को खर्च करता है। और अगर ये औलाद नेक अगर हमने नहीं बनाई तो उसका नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? दुनिया ही में वक्त से पहले हमें ये औलाद मौत के घाट उतार देते हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं जो अखबारात में आते रहते हैं कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया, औलाद ने वालिदैन को कत्ल कर दिया। वजह क्या है? जायदाद, प्रॉपर्टी। अगर ये औलाद नेक होगी तो ये जुरात नहीं कर सकती है, जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए इंतजार करेगी, वफात का आपको बुढ़ापे में खिदमत करेगी, आपके काम आएगी। ये नेक औलाद बनाने की कोशिश कीजिए, वरना ये दौलत काम आने वाली नहीं है। और हो सकता है बाज़ वालिदैन नाइंसाफ़ी भी करते हैं और दौलत की तकसीम में। अगर आपने नाइंसाफ़ी की तो ऐसी सूरत में आपके मरने के बाद भी वो आपकी तौहीन से बाज नहीं आएगी, आपकी कब्र पर जाकर वो पेशाब करेगी, नऊज़ुबिल्लाह। अगर हमने औलाद को नेक नहीं बनाया, लिहाजा ईसाले सवाब अगर आप चाहते हैं तो अपनी औलाद को नेक बनाएं। ये हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए। और इसी तरीके से हमारी शरीयत में मैयत की तरफ से आम सदका किया जाए। एक तो सदका जारिया है, लेकिन आम सदका किया जाए। किसी बेवा को, यतीम की कफालत करें आप, इस नियत से कि इसका सवाब हमारे फला मरने वाले को पहुंचे। ये भी हमारी शरीयत में एक तरीका है ईसाले सवाब का। और इसी तरीके से मैयत की तरफ से हज किया जाए, उम्रा किया जाए। शरीयत में ये तरीका भी मौजूद है, इससे भी मैयत को फ़ायदा होता है। और इसी तरीके से मैयत की तरफ से नज़र उसने मानी थी लेकिन पूरी नहीं कर सका, अल्लाह ताला के लिए नज़र मानी थी, रोज़े नहीं रख सका, उसके जो वारिसीन हैं वो इसको पूरा करे, इसका भी फायदा होगा। और ईसाले सवाब का एक और तरीका है, मैयत के ऊपर कोई कर्ज था वो आप अदा करें, ये भी मैयत को इससे फायदा होता है। ईसाले सवाब के ये जायज और मशरू तरीके, इनके जरिए से ईसाले सवाब होता है। और मैंने कहा कि इनमें सबसे आला, सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो दुआए मगफरत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजतल अब्द फिल जन्नत, अल्लाह ताला एक बंदे के दर्जात जन्नत में बुलंद कर देता है। उसके बाद क्या होता है? कहा फयक़ूलु या रब्बी अन्ना ली हाज़ा, बंदा कहता है कि अल्लाह ताला मेरे दर्जात क्यों बुलंद हो गए, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, आखिर मेरे दर्जात क्यों बुलंद हुए? फयक़ूलु या फयक़ूलु बिस्तिग़फ़ारे वलदिका लक, तो अल्लाह ताला जवाब देता है तुम्हारे जो दर्जात बुलंद हुए हैं उसकी वजह क्या है, चूंकि तुम्हारा बेटा या बेटी, तुम्हारी औलाद, पोता या पोती या पड़पोते, ये सब औलाद में दाखिल हैं। तुम्हारे दर्जात बुलंद होने की वजह क्या है? वो ये है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक में दुआए मगफरत करती है। जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं, इसलिए दुनिया में सारी एनर्जी हमारी औलाद के ताल्लुक से इस बात पर सर्फ होनी चाहिए कि यह औलाद दुनिया से जाने के बाद हमारे काम आए, हमारे लिए दस्ते दुआ दराज कर सके, हमारे लिए मगफरत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कर सके, तभी औलाद हमारे काम आ सकती है। ये शरई तरीक़े हैं सवाब पहुँचाने के मैयत के। लेकिन हम क्या क्या करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, हम सवाब पहुँचाने के लिए कुल शरीफ का एहतमाम करते हैं। ये कुल शरीफ क्या है? ये मैयत के वफात के तीसरे दिन सूरह इखलास 10,000 दफ़ा इसका विर्द किया जाता है, पढ़ी जाती है, इसको कुल शरीफ कहा जाता है। इसी तरीके से तीजा किया जाता है तीसरे दिन। और कहा ही जाता है 1.25 लाख दफा कलमा पढ़ा जाता है। और इसी तरीके से 10वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन, 40वें दिन और कुरान खानी भी की जाती है। और इसी तरीके से शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी को इसाले सवाब के लिए हम क्या करते हैं, 11वीं करते हैं। हमारी शरीयत ने क्या किसी मरने वाले की जो तारीख़ वफात है हर साल उसको ईसाले सवाब करने के लिए कोई तकरीब मुनक़िद की जाए, कोई महफिल बुलाई जाए, कोई जश्न मनाया जाए? शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है? हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये जो 11वीं की तकरीब मनाई जाती है शेख के नाम से, ये भी उन्हीं चीज़ों के दायरे में आती है जिनके ज़रिए से ईसाले सवाब पहुँचाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ईसाले सवाब के जो जायज़ तरीक़े थे मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे समाज और मुआशरे में इस तरह की जो गलत चीज़ें राइज हैं उनसे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और शरीयत ने जो जायज़ तरीक़े ईसाले सवाब के हमें बतलाए हैं उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।